मूवी सेट से सुबोधिका का टिकट मैंने परचेस कर लिया है। और भाई यहाँ से हंगरी का इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत ही पास है, सिर्फ 10 किलोमीटर। इतना ब्यूटीफुल सिनागॉग मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। हाउ कैन आई गो इनसाइड सिटी हॉल? आई डोंट नो। यू नॉट फ्रॉम सुबोधिका? आई हैव आई नेवर बीन इनसाइड। ओके, यहाँ से मैंने 3 मानती लिया है, कुछ इस टाइप के हैं। बुरे का आपको सब जगह मिलेगा, यहाँ की बहुत ही फेवरेट बहुत ही लोकल डिश है। भाई टिकट पे डेट गलत डाला हुआ था। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक अगेन। आज मेरा दूसरा दिन है सर्बिया में। मैं अभी हूँ निस में, अभी अपने हॉस्टल के अंदर हूँ और आज मैं जा रहा हूँ सुबोधिका, जो कि दूसरा सिटी है सर्बिया में। और सुबोधिका को ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल टाउन, वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल सिटी इन द एंटायर बाल्कन्स रीजन। तो आज मैं सुबोधिका का डे ट्रिप लेने जा रहा हूँ नोवी सैद से। और मौसम जैसे कि कल था वैसे भी आज भी है। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9, जब मैं उठा था सुबह 7 बजे तो बारिश हो रही थी। अभी लग रहा है मेरे को कि रुकी हुई है क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही बारिश की। तो निकलता हूँ मैं फटाफट यहाँ से फिर और चलता हूँ सीधे बस स्टेशन, क्योंकि वहाँ से मेरे को बस लेनी है सुबोधिका के लिए। मेरे को टाइम टेबल वगैरह बहुत पता नहीं है, किस टाइम की बस है क्या है मेरे को नहीं पता है, वहाँ चल कर ही पता चलेगा। अपने हॉस्टल से मैं निकल चुका हूँ, बारिश तो अभी फ़िलहाल रुकी हुई है, लेकिन जो बस स्टेशन है वो 2 किलोमीटर है मेरे हॉस्टल से। तो होपफुली रास्ते में बारिश शुरू ना हो जाए। बस 1.5 से 2 घंटे का रास्ता सुबोधिका का, प्रोबेबली शायद वेदर वहाँ पे अच्छा मिलेगा मेरे को। नोवी सैद बस स्टेशन पे पहुँच गया हूँ मैं, पता करता हूँ बस का टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है इंक्वायरी में जाके। हेलो, मैं बस फॉर सुबोधिका। तो ये टाइम टेबल है नोवी सैद बस स्टेशन के बाहर। नोवी सैद से सुबोधिका की जो बस टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7:20, फिर 10:35, फिर ऐसे दिन भर में टोटल 5 बसेस है जो नोवी सैद से सुबोधिका जाती हैं। तो 10:35 वाली बस करता हूँ, अभी 10 बज रहे हैं। एंड फॉर कमिंग बैक इन द इवनिंग 5 PM, 7 PM एंड 9:30। How much for ticket, return ticket? Price? Yes, price. 1600. I can take any bus, 5 or 7 p.m., any bus. Okay. Da means yes. Da means yes. Yes, da. Same as Russian. Bravo. Novi Sad se Subotika ka ticket maine purchase kar liya hai. Kaafi expensive ticket hai. Mere laga itna expensive nahi hoga, lekin expensive hai. Yahan se Novi Sad jaane ka jo one-way ticket aa raha tha, wo aa raha tha 1040 dinar, ये लिखो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने परचेस कर लिया है रिटर्न टिकट। मतलब सेम कंपनी की बस से मेरे को जाना पड़ेगा, सेम कंपनी की बस से मेरे को वापस आना पड़ेगा। ये मेरे को पड़ा है टोटल मिला के 1600 का। अब वापसी आने का मेरे पास 2 ऑप्शन है, शाम को 5 बजे की बस है और शाम को 7 बजे की बस है। तो जब मैं सुबोधिका पहुँचूँगा तो मेरे को फिर से स्टेशन पर जाके अपनी बस रिजर्व करना पड़ेगा। और जो बस का टिकट है आप उसको परचेस कैश से तो कर ही सकते हैं, साथ में कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने परचेस किया है अपने नियो कार्ड से, कार्ड पेमेंट करके, कैश से मैंने नहीं किया। एग्जैक्ट मेरे 1100 के आसपास लगे, 1120 शायद कटे हैं और एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं कटे हैं। थैंक यू। टेन थर्टी फाइव हो गया है, बस टाइम से आ गई है। आगे बस के आगे सुबोधिका लिखा हुआ है, तो आप देख के पहचान जाओगे इंग्लिश में लिखा हुआ है। सुबोधिका में पहुंच गया हूं। टोटल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था नोवी सैद से सुबोधिका के बीच। जो टाइम लगा वो आने में लगे टोटल एग्जैक्ट 1.5 घंटे। 10:30 की बस थी, 12 बज रहे हैं अभी, तो 12:09 हो रहा है, क्योंकि मैंने शाम की 7 बजे की अपनी बस का टिकट रिजर्व करा लिया हूं स्टेशन से ही। तो शाम को मेरे पास 6:30 बजे तक का टाइम है सुबोधिका में, क्योंकि 7 बजे मेरे को बस करनी है। और टाउन बहुत ही छोटा है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसलिए आपको पूरा बस स्टेशन भी खाली खाली दिख रहा है।
अभी मैं टाउन के अंदर जाऊँगा तो भी छोटा ही दिखेगा, और क्योंकि टाउन भी बहुत छोटा है तो बस स्टेशन से सिटी सेंटर का डिस्टेंस बहुत कम है। मैप में दिखा रहा है सिर्फ 700 meters, मतलब कि 5-10 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा सिटी सेंटर के अंदर। और भाई यहाँ से हंगरी का इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत ही पास है, सिर्फ 10 किलोमीटर, मतलब कि आप 10 किलोमीटर वॉक करोगे तो आप दूसरी कंट्री पहुँच जाओगे हंगरी। अब बूडापेस्ट भी बहुत दूर नहीं है, 150 किलोमीटर के आसपास है, शायद 170 किलोमीटर है। सर्बिया एज अ कंट्री बहुत महंगी तो नहीं है, खाना पीना नॉर्मल ही है, रहना भी ठीक है, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन बस टिकट भाई बहुत महंगा है। हालांकि डेढ़ घंटे की जर्नी है, लगभग 550-600 रुपये वन साइड का। सबौटी का टाउन पूरा रियली में बहुत ब्यूटीफुल है। सिटी सेंटर में पहुंच चुका हूं, ये कोई पार्क है, अब हम आ चुके हैं सबौटिका के सबसे फेमस और सबसे बड़े स्क्वायर में। इसका नाम है टियाजी स्लोबोदे। टियाजी स्लोबोदे नोवी सैद में भी था, यहाँ पर भी है, इसका मतलब हो गया इंग्लिश में फ्रीडम स्क्वायर। और बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्वायर है ये, हर तरफ कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी। तो आपको पूरा मैं दिखाता हूँ, कुछ चर्च हैं, कैथीड्रल्स हैं, सब सब आपको दिखाता हूँ मैं। सबौटिका सिनागॉग पहुंच चुके हैं। सिनागॉग वो होता है जहाँ पे जुविश जू लोग जो होते हैं वहाँ पर आके प्रे करते हैं, मतलब कि जैसे हिंदूज के लिए टेम्पल होता है, मुस्लिम्स के लिए मॉस्क होता है, वैसे ही जूस के लिए सिनागॉग होता है। तो ये है सबौटिका सिनागॉग, बिल्डिंग दिखने में काफ़ी अच्छी है, और इसके अंदर चलते हैं। अपस्टेयर्स आल्सो, ओके थैंक यू। तो भाई ये है सबौटिका का सिनागॉग, जो जूश पीपल का टेंपल होता है, और अंदर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। आई डोंट नो वीडियो में कैसा लग रहा होगा, वीडियो में भी ब्यूटीफुल लग रहा होगा, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन एक ड्रॉबैक है इसका, ड्रॉबैक या नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर आने के लिए आपको एंट्रेंस टिकट परचेस करना पड़ेगा, कि इसका एंट्रेंस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मैंने ले लिया है, इसका एंट्रेंस है 250 दिनार है फॉर नॉर्मल पीपल एंड 150 दिनार है फॉर स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर भी जा सकते हैं, तो यहाँ के बाद चलते हैं इसके ऊपर। हेलो शलोम भाई, बच्चा तो कुछ बोल नहीं रहा। इतना ब्यूटीफुल सिनागॉग मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये था सबौटिका सिनागॉग, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत गॉर्जियस था। और जो ज्यूस की पॉपुलेशन है सबौटिका में बहुत ही कम है, सिर्फ 150, मतलब कि इतने कम पॉपुलेशन होने के बाद भी उनका जो वर्शिप की जगह है सिनागॉग है, इतना ज़्यादा मेंटेन है। तो आप चलते हैं अगली जगह सबौटिका में, आसपास कुछ लोकल मार्केट्स है, फ्ली मार्केट्स है, एक्चुअली दो फ्ली मार्केट्स है, एक जस्ट सामने ही है सिनागॉग के, एक थोड़ा दूर पे है, तो दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। पहले जो जस्ट सामने है वहाँ चलते हैं। सिनागॉग के जस्ट सामने एक लोकल मार्केट है, इसका नाम है, बड़ा अजीब सा है, बिना पढ़े बता नहीं पाऊँगा, इसका नाम है मलेकना पिज़ाका। मॉर्निंग 5:30 ओपन हो जाती है, शाम को 4-5 बजे के आसपास बंद हो जाती है। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, लेकिन आधी से ज़्यादा शॉप्स बंद हो चुकी हैं, तो बहुत कुछ देखने के लिए मार्केट में है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब शॉप क्लोज़ हो चुकी हैं,
लोकल मार्केट ही है, लोकल नीड्स की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी डेली यूज़ के लिए, तो बहुत टाइम यहाँ नहीं रुकते हैं, चलते हैं अगली जगह पे। अब चल रहे हैं सिटी हॉल जो कि मेरे सामने है, और सवाती का बहुत छोटा टाउन है तो सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन सिर्फ एक या दो मिनट वॉक करके आप पहुँच जाओगे। तो विद इन टू मिनट्स वॉक करके मैं पहुँच चुका हूँ सिटी हॉल। भाई ये है सिटी हॉल, देखना पड़ेगा इसका क्या हिसाब किताब है। चलता हूँ इसके अंदर, आई डोंट नो रास्ता यही है कि दूसरे साइड से है, कुछ दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे अंदर जाने के लिए। सिटी हॉल के बाहर ही खड़ा हूँ लेकिन अंदर जाने का रास्ता किधर से है पता नहीं चल रहा है, सब डोर इधर से बंद है। हाय एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द एंट्रेंस फॉर सिटी हॉल, गोइंग इनसाइड, यू स्पीक इंग्लिश? नो, anyone here speaks English? Yes, no. Her. She. Hi. How can I go inside City Hall? I don't know. Really. You not from Subotica? I am, but I've never been inside. Oh, okay. I'll figure it out. Thank you. भाई locals को भी नहीं पता कि अंदर कैसे जाना है। English बहुत ही कम लोगों को आती है यहाँ पे। काम चल जाता है, ऐसा नहीं कहीं फंसोगे नहीं आओगे तो कोई ना कोई इंग्लिश वाला मिल ही जाएगा। ये है सिटी हॉल और जो कई सारे गेट्स थे जहाँ से मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जो कोई खुल नहीं रहा था उसमें से एक ओपन था, तो कोई अंदर गया था तो ओपन कर दिया था तो मैं अंदर आ गया। और कोई भी एंट्रेंस फी नहीं है सिटी हॉल के लिए है। तो ये भी भाई ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, इंटीरियर आर्किटेक्चर यहाँ का भी ज़बरदस्त है भाई। ये हो गया सिटी हॉल, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, बस कुछ सीढ़ियाँ हैं, रेड कारपेट बिछी हुई और एक हॉल है जो मैंने आपको दिखाई दिया है बस। और चल रहा हूँ बाहर, देखता हूँ कहाँ जाना है, प्रोबेबली फ्ली मार्केट ही जाऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ लोकल फ्ली मार्केट सबौतिका का, जिसका नाम है बुवलाक। एटलीस्ट कम से कम यार आज मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही, नहीं तो फिर आज का दिन भी ख़राब हो जाता। और एक ही चर्च है मेरे बगल में, इसका नाम है चर्च ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस। तो पूरे सबौतिका में बहुत सारे चर्चेस हैं, तो चर्च आज मैं कोई नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चर्च मैंने देख लिए हैं, इसराइल में, पैलेस्टीन में, नोवी सैद में देखे हैं और बेलग्रेड में भी देखूँगा, तो सबौतिका में चर्चेस मैं स्किप कर रहा हूँ। आ गया हूँ सबौतिका के सबसे बड़े लोकल फ्ली मार्केट में, बुवलाक। आई डोंट नो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है लेकिन किस्मत एकदम ही ख़राब है, पता नहीं क्यों ये भी मार्केट बंद है। और आज सैटरडे, बंद होनी तो नहीं चाहिए, 3 बजे दिखा रहा है क्लोजिंग टाइम, अभी बज रहे हैं 2, लेकिन मार्केट ये भी बहुत ही बड़ी है। इस मार्केट का सही प्रोनाउंसिएशन है बुवलाक, बुवलाक मार्केट, जे साइलेंट एक्चुअली, लेकिन बंद हो चुकी है। किसी ने अभी मेरे को बोला अगर मार्केट देखना है तो मॉर्निंग में आओ, लगभग 7 से 8 के आसपास या 9 बजे तक, तब आपको पूरी मार्केट ओपन दिखेगी। इतनी बड़ी मार्केट है कि देख के लग रहा है जब पूरी खुली रहती होगी तो बहुत ही अमेजिंग फील आता होगा यहाँ पे, लेकिन अब कभी कह सकते हैं, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके लिए क्या करना, क्या बोलना या क्या सोचना। बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए तो खैर है नहीं सबौतिका में। मैंने अभी एक कियोस्क है ये मिनी पानी नाम की, तो यहाँ से मैंने 3 मानती लिया है 50 दिनार के कुछ ऐसा है, तो 3 अलग अलग पीस है, तीनों के फ्लेवर अलग हैं, एक में चीज़ है, एक में पोटैटो है, एक में वेजिटेबल है, कुछ इस टाइप के हैं, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे ही हैं। अब भाई 50 दिनार में अब और क्या लोगे, वो भी 3।
शाम के 6 बज चुके हैं और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि मैं लिटरली शिवर कर रहा हूँ। और मेरे बगल में पेट्रोल पंप है, डीजल का रेट यहाँ पर है 160 दिनार पर लीटर, मतलब कि हो गए लगभग आई थिंक 110 रुपए के आसपास। 2 घंटे से मैं फालतू बैठा हुआ हूँ, कोई काम नहीं है। और अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने 7 बजे वाली बस क्यों ली, क्योंकि बहुत छोटा टाउन है, 4-5 घंटे मोर देन इनफ है यहाँ घूमने के लिए, देख सब कुछ देखने के लिए। तो अगर आप पहली बार यूरोप आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई अच्छी जगह है हो, कोई नई जगह है हो, बहुत ही अच्छी जगह है, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आएगी। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज घूम चुके हो या यूरोप घूम चुके हो फिर आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। ये मेन स्क्वायर है TRG स्लोबोदे, 6:30 हो गया, चलता हूँ बस स्टेशन की तरफ क्योंकि 7 बजे मेरी बस है बैक टू बेसिक्स, बैक टू नोवी सैद। I bought it from Novi Sad. Yes, but return ticket. Yeah. Day is wrong. Today is 7. He write 8. Oh, by mistake I think. I came here in the morning. Okay. Thank you. My ticket pe date galat dala hua tha, jahan se maine ticket issue karaya tha. तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला बैठ जाओ, हाथ से सही कर दिया। आ गए वापस नोवी सैड सबौतिका से, टोटल 1.5 घंटे लगे आने में, जितने लगे थे जाने में वही सेम आने में। अभी मैं एक बेकरी में हूँ नोवी सैड में, और मैंने खाने के लिए लिया हुआ है ये बुरेक। बुरेक बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे फ्रेंड ने एक आज मेरे को बताया। पूरे बालकांस में आप कहीं भी ट्रैवल करो, पूरे बालकांस इवन इन सेंट्रल एशिया में बुरेक आपको सब जगह मिलेगा, और यहाँ की बहुत ही फेवरेट, बहुत ही लोकल डिश है। और ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों आती है, मतलब क्या पूछोगे शॉपकीपर से या सेल्समैन से कि बुरेक वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, आपको बताएंगे वो। बहुत महंगा भी नहीं है, 110 दिनार का है, इसका प्राइस डिपेंड करता है शॉप टू शॉप, कहीं पर आपको 60 दिनार का भी मिल जाएगा, कहीं भी 100 का, कहीं भी 150 का, और दिखता कुछ ऐसा है। ये बुरेक जो कि 110 दिनार का मेरे को पड़ा है। यार एक ही बुरेक खाने में लग रहा है पूरा पेट भर जाएगा, बहुत ठीक है, फ्राइड है, अंदर काफ़ी सारा चीज़ भरा हुआ है, तो एक ही बुरेक मोर देन इनफ है। मैं अभी एक सुपरमार्केट आया हुआ हूँ, ब्रेड लेने आया हुआ हूँ। ब्रेड यहाँ भाई साहब बहुत सस्ती है, आधा किलो ब्रेड 500 ग्राम सिर्फ 40 दिनार में, लगभग हो गए 22-23 रुपए के आसपास, इतनी सस्ती ब्रेड यहाँ पे। और बाकी जो सामान से यहाँ पे सर्बिया में सारे सामान, जैसे मैंने इसराइल और जॉर्डन में आपको वीडियो बनाया था, सब सामान से क्या रेट है, मैं वीडियो बनाऊँगा आज नहीं, कल बेलग्रेड पहुँच के, जो कैपिटल है सर्बिया का, और मैक्सिमम लोग अगर सर्बिया आते हैं तो बेलग्रेड ही आते हैं, तो उसका वीडियो मैं अलग से बेलग्रेड पहुँच बनाऊँगा अलग से। अभी फ़िलहाल ये ब्रेड ले रहा हूँ सिर्फ 40 दिनार की। ब्रेड के साथ ये एक मैंने हेज़लनट स्प्रेड भी ले लिया है 200 दिनार का। चल रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल, फिर आपको मॉर्निंग में मिलता हूँ कल।